अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनोसलवा। जिसमें आज बना रही हूँ करेले कबाब करी। बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक तरीके से बनती है। रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो भी आराम से मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी, करेले कबाब बनाने के सबसे पहले मैं कबाब तैयार करूँगी, ठीक है। कबाब का मुझे पीसना है। अच्छा, मेरे पास ये चॉपर है, इसके अंदर सबसे पहले मैं मेरे पास एक अदद प्याज है, मैं इसको डाल दूँगी। पहले हम प्याज को और जो हरा मसाला है उसको चॉप करेंगे, ठीक है। ये प्याज चली गई एक अदद, और साथ ही साथ में इसके मेरे पास एक टेबल स्पून पुदीना है, एक टेबल स्पून हरा धनिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये डाल दूँगी। पहले इन सबको डालकर हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। चलिए देखें, हमारी प्याज वगैरह जो है वो चॉप हो गई और बारीक, ठीक है। बस अब मैं इसके अंदर मेरे पास ये एक पाव जो 200 ग्राम यानी कि बोनलेस चिकन है, मैं इसको डाल दूंगी सारी की सारी इसके अंदर। और इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर पाउडर है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, ये चला जाएगा इसके अंदर। और साथ ही साथ ये मेरे पास 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। बस ये सब डाल के भी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। चलिए देखिए, मैंने सारा इसको पीस लिया है, पीस के बिल्कुल इसको मैंने इससे बारीक बना ली, ठीक है। बस अब मैं इसके जो है कबाब रेडी करूँगी। कीमा जो था मैंने आवेदन पीसा था, चिकन में जो था मसाले डाल के मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इस तरह से उसे कबाब बना लिया लंबाई में, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने सारे कीमे के जो है लंबाई में कबाब बना लिए तमाम चिकन को पीसने के बाद। अब मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल डाला हुआ है, गर्म करके रखा हुआ है। अब मैं इन कबाबों को बारी बारी इसके अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी, ठीक है। शैलो फ्राई करके कबाबों को निकाल लेना है, सारे कबाब डाल देंगे बारी बारी से और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। करना है अब इसी ऑयल के अंदर, ये मेरे पास करेले हैं, ठीक है। तकरीबन 200 ग्राम में 180-200 ग्राम करेले हैं, बिल्कुल साफ़ किए हुए, इस तरह से सीड्स वगैरह निकले हुए इसके अंदर से। अब मैं इसी ऑयल में इन करेलों को फ्राई करके निकाल लूँगी। जस्ट पकाना गलाना नहीं है इसको कुछ भी, बस तेज़ आंच में इन करेलों को हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम निकाल लेंगे। करेले भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया, आपको सारे फ्राई कहते हैं। कबाब भी बन चुके हमारे सारे, ठीक है। ऐसे ही बना के फ्राई करके निकाल लिया मैंने। सब करना क्या है, अच्छा एक चीज़ दी तो बता दूँ आपको, कबाबों का शेप कोई छोटा कोई बड़ा लग रहा होगा तो ये मैंने गलती से नहीं, मैंने जानबूझ के बनाए, क्योंकि जो मेरे पास करेले मौजूद हैं मैंने इन करेलों के साइज़ के मुताबिक बनाए, क्योंकि मुझे इनको करेलों के अंदर फिल करना है। डिफरेंट साइज़ के करेले ज़्यादा बताते हैं, छोटे साइज़ के लिए मैंने, आप चाहें तो बड़े ले सकते हैं। मेरे पास अलग अलग साइज़ के करेले थे तो इसलिए मैंने कबाब भी करेलों के साइज़ के हिसाब से बनाए हैं ताकि इसमें आराम से फिक्स हो जाए। अब हमें करना क्या है, इस तरह से करेले जो हमने खोले थे बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, ठीक है, अंदर खोल के इस तरह से कबाबों को जो उनके साइज़ के मुताबिक है इस तरह से इसके अंदर भरना है, ठीक है। इस तरह कबाब रखने के बाद हम धागे से इसको बांध देंगे। कोई सा भी कलर का धागा ले लीजिएगा, कोशिश करें कि वाइट लें, कलर वाला मत लें, लेकिन ना हो तो कोई बात नहीं। इस तरह से जो है बस, आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है। उमन हम जब कीमा करेले बनाते तो यही कर रहे होते हैं। बस इसी तरह से मैं सारे जो है कबाबों को भर के इस करेलों के अंदर धागों से बांध के मैं इनको रख दूंगी। जी, मेरे तमाम के तमाम करेले ये देख लीजिए स्टफ़ करके धागों से बांध दिए हैं, सबके अंदर कबाब डाल के मैंने अच्छे धागे से बांध दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन तमाम करेलों को फ्राई करूँगी। फ्राई कैसे करूँगी, मैंने एक अंडा लिया है, ठीक है। उस अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, थोड़ा पानी डाल के, 1 टेबल स्पून ठंडा पानी डाल के उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से। अब मैं कबाबों को करेलों को जो मैंने अभी रखे हैं स्टफ़ करके, इनको मैं बारी बारी इस तरह से इसमें अच्छी तरह से डिप करूँगी, पूरा कोट करके थोड़ा सा तेज़ आंच में उसको फ्राई करेंगे, इतना कि इसके अंदर अच्छी तरह से कलर आ जाए। बस ये देख लें, अच्छी तरह से खूब लगाना है अंडा, एक्सेस निकाल के इसको हमने फ्राई कर लेना है। आप अगर चाहें तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आई होप समझ आ गया होगा। मैं इस तरह से सारे करेलों को बारी बारी करके निकाल लूँगी। चलिए जनाब, करेले मैंने फ्राई करके सारे निकाल लिए, आपके सामने जो मैंने अभी डाले थे अंडे में फ्राई करने के लिए, देख लीजिए सारे करेले मैंने फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसी ग्रेवी तैयार करूँगी। ग्रेवी तैयार करने के लिए 1/4 कप ऑयल डाला हुआ है और इस 1/4 कप ऑयल में मेरे पास 1 अदद स्लाइस हुई प्याज है, मैं इसे डाल दूँगी।
प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे। बस प्याज चलें ये देखें प्याज जो हमारी ये गोल्डन हो चुकी है आपके सामने है। अब मैं इसके अंदर जो है 2 अदद टमाटर बारीक स्लाइस किए हुए ये डाल दूंगी सारे के सारे, ये चले जाएंगे इसमें। और टमाटरों के डालने के साथ साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड करूंगी। और स्पाइस मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर, स्पाइस में मेरे पास है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, ये चला जाएगा। और इसके साथ ही साथ मेरे पास यहाँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ब्राउन शुगर है। ठीक है, जब सॉल्ट आपकी मर्ज़ी है ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैंने इसलिए 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि हमने कबाब के अंदर भी जो है सॉल्ट ऐड किया था तो कबाब में भी नमक है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको हल्का सा भूनूंगी ताकि जो मसाला वो जलना शुरू ना हो जाए। बस इसको मैं अभी मिक्स करके थोड़ा पानी डाल दिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी, थोड़े टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसे जो है भुनाई शुरू कर दूंगी इसकी। चलिए जी मसाले को हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है जो है, ये देखिए बिल्कुल हो चुका, बस मसाला रेडी हो चुका है हमारा। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दूँगी, बस अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमने करेले फ्राई किए हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा अगर आप चाहें तो उसको उसमें ऐड ना करें, फुल कुक करके करेलों को आप जो है डिश में निकाल दें और ऊपर से सारी ग्रेवी पोर कर दें। इस तरह से सारे फ्राई किए हुए करेले मैं इसमें रख दूँगी। अच्छा जब मैंने प्याज फ्राई किया है मैं आपको बता दूँ, आपको उसमें थोड़ा सा झाग दिख रहा होगा, उसकी वजह ये थी कि मैंने जो ये ऑयल यूज़ किया था करेले तलने के लिए और कबाब तलने के लिए मैंने उसी तेल को यूज़ किया था, तो वो अंडों की वजह से उसमें झाग था। और मैंने वो तेल इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ज़ाहिर उसमें करेलों का और कबाबों का फ्लेवर आ चुका था, तो मैंने इसी वजह से उस ऑयल को यूज़ करा है। आप यूज़ ना करना चाहें तो मत कीजिएगा, दूसरा ऑयल ले लीजिएगा, बट मैंने उसी तेल में ग्रेवी बनाई है ताकि फ्लेवर सारा इसमें आ जाए। अच्छा ये देखें मैंने सारे करेले इसमें लगा दिए और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें दम आ जाए, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भुना भुना सा रहेगा। बस तकरीबन 1/2 कप जितना मैंने पानी डाल दिया है, अब मैं इसको दोबारा से कवर करके पकने रख दूँगी। ठीक है बस बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ये, बस थोड़ा सा ग्रेवी में पकेगा, फिर मैं इसको हरदने डाल के भून कर निकाल लूँगी। पहले जनाब हमारे जो करेले कबाब करी थी वो रेडी हो चुकी है, मैंने आपके सामने सर्व कर दिया है इसको, इसको ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।